आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार न्यूज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शहनशीन पर बैठे साहब, नुमाइंदा कॉरपोरेटर और जनाब मिसबाउद्दीन साहब, शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर और जनाब फिरोज लाला साहब जो के सदर हैं महाराष्ट्र के, जनाब हजरत खिदर पाशा साहब सिबला और मेरे बड़े भाई जनाब बाबर साहब और गौस भाई साहब, तमाम सुदूर मुसलमदीन मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज का जलसा इंतखाबी जलसा है मेरे भाई। राजेंद्र नगर असम्बली हलके में आज चार इंतखाबी जलसे थे। एक तो बल्लागोड़ा जागीर में जो सदर मोहतरम वहाँ पर आए और कई टीआरएस पार्टी के सरपंच और ऊपर सरपंच और वार्ड मेंबर पार्टी में ज्वाइनिंग हुए और एक ही बात बोल रहे थे वो कि साहब कई सालों से यहाँ पर काम नहीं हुआ, पानी की लाइन का काम नहीं हुआ, ड्रेनेज लाइन का काम नहीं हुआ, यही एमएलए हमारे को धोखा दिया, आज पब्लिक हमारे पर भरम है। उस बिना के ऊपर हम आज असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी में ज्वाइनिंग करें और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरेश्वर असदुद्दीन अवैसी साहब यही बोले कि हम बराबर आपको पानी दिलाएंगे और बोले कि मुझे अफसोस हो रहा है यहाँ पे हिमायत सागर उस्मान सागर है और आपके पास पानी नहीं है। मेरे भाई ये काम एमएलए का करने का है मगर वो काम नहीं करा, फेल होगा। आज उसके लोग उसी जमात को छोड़ के उसी पार्टी को छोड़ के मंजिस पार्टी में तकरीबन एक 500 या 1000 नौजवान SC ST भाई दलित भाई पूरे ज्वाइन हुए और मुझे भी इस बात की खुशी हुई कि भाई मंजिस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हर भाई को लेके चलना चाहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई को। यहाँ पर राजेंद्र नगर असम्बली हलके में तने से दौरे कर रहा हूँ, डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं। सदर मोहतरम खुद यहाँ पर दौरों में आ रहे हैं और जलसों में आ रहे हैं। यही बात आज आवाम का जोश भी यही है कि राजेंद्र नगर असम्बली हलके से मंजिस को कामयाब कराना है तो काम होगा यहाँ पर, नहीं तो यही प्रकाशगढ़ है कई यहाँ पे वाइन शॉप खोल के रख दिया, यही रोड के ऊपर उसके 25 वाइन शॉप है और पुरसाने हाल कोई नहीं है, कहीं दवाखानों के पास खोल दिया, कहीं कॉलेजों के पास खोल दिया, कहीं इबादत गाहों के पास खोल दिया। इसको कोई रोक है ना टोक है, खाली हंदा राज चला रहा है, वो हुंडा राज चला रहा है। मगर मैं अपने भाइयों से बोलना चाह रहा हूँ कि 7 तारीख के दिन उसको इंतकाम सिखाना है भाई, कई वक्फ बोर्ड के ज़मीनों को मिसमार कर दिया वो। मैं अभी शमशाबाद के जलसे में गया, वहाँ के सदर शुकुर साहब बोल रहे थे कि रहमत भाई यहाँ पे दरगाह है, दरगाह की ज़मीन में 2 एकड़ ज़मीन में वाटर का रिजर्वर बना दिया ये MLA वक्फ बोर्ड की ज़मीन में, और बाजू गवर्नमेंट लैंड है वहाँ पर बना सकता था, तासुबियत करके दिया। तो ऐसे आदमी का साथ कुछ चंद मुनाफिकीन दे रहे हैं, मीर जाफर और मीर सादिक की औलाद, उन लोगों को भी मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर 11 तारीख के बाद सबक सिखाएगी और राजेंद्र नगर के दे रहे हैं और आके हमार को बता रहे हैं, चंद चमचों को भिजा के बता रहे हैं कि उनको नहीं बोलना, पहलवान को नहीं बोलना, उसको नहीं बोलना, पहलवान क्या, पहलवान के बाप को भी हम लंगा कर देंगे, क्या समझ रहा है, ये मंजिस पार्टी है और जबान को लगाम दे के बात कर। और चंद दिन पहले यही मीर महमूद हजरत रहमतुल्लाह अलैह की पहाड़ी की दरगाह है, वहाँ पर हजरत की दरगाह है, वहाँ पर हजरत खुद जलवा अफरोज है, उस जगह पे आके तुम लोग नाच के तमाशा कर रहे हैं वहाँ पर, यही प्रकाशगढ़ को लाके। मैं जब नाम निशान डाला, मुझे सदर मोहतरम एक दिन पहले बात करे, आप कहाँ से नाम निशान डाल रहे हैं आपका,
मैं यही बोला कि सदर मोहतरम आप हुकुम जहाँ से करेंगे मैं वहाँ से अपना नामिनेशन की राजी लेकर जाऊँगा। तो आप बाबा शरफुद्दीन सहरवर मीर महमूम हजरत औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पहाड़ी शरीफ से पहाड़ी से आप अपना नामिनेशन डालिए और जुमे की नमाज के बाद डालिए। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि राजेंद्र नगर असम्बली हलके में इतनी बड़ी दरगाह है मीर महमूद हजरत औलिया रहमतुल्लाह अलैह की, आज हम इलेक्शन की मुहिम वहाँ से चालू करें, मेरा नामिनेशन भी वहाँ से डाला मैं। तो ये लोग वहाँ पर जाके चंद लोगों को लेके जाके वहाँ पर जाके वो सरजमीन के ऊपर नाच रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ 11 तारीख के दिन हम फिर वहाँ पर जाएंगे दरगाह पे और जाके हजरत के पास ख़त्म बोसी करेंगे कि 11 तारीख की जीत के दिन बराबर हम वहाँ पर जाएंगे और मेरा नाम निशान भी मैं वहीं से डाला और अपनी लाज बचाने वाले भी मीर महमूद हजरत औलिया रहमतुल्लाह अलैह है। बुजुर्गा ने दीन से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है भाई, अल्लाह का करम है। तो सरकार के सदक़े में राजेंद्र नगर सीट के ऊपर मजलिस की कामयाबी यकीनी है और आप लोग को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि 7 तारीख के दिन पतंग के निशान पे वोट दीजिए। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग के निशान पे वोट देके मजलिस को कामयाब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।